मारवाड़ी समाज का इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मान्यता यह है कि मारवाड़ी समुदाय की उत्पत्ति भगवान राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी महाराजा वल्लभ देव के पुत्र महाराजा अग्रसेन से हुई। महाराजा अग्रसेन ने महर्षि गर्ग के आदेश पर 18 ऋषियों से अपने 18 पुत्रों द्वारा 18 यज्ञ करवाए और इन्हीं 18 ऋषियों के नामों पर अपने कुल के 18 गोत्र बनाए, जिसमें पहले गोत्र का नाम गर्ग महर्षि गर्ग के नाम पर रखा गया। महाराजा अग्रसेन ने 108 साल तक अग्रोहा पर शासन किया और अपनी प्रजा को एग्रीकल्चर, व्यापार, व्यवसाय के साथ साथ मॉरल वैल्यूज की भी शिक्षा दी। उन्होंने अपने लोगों को व्यवसाय के लिए तराजू दिया और आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाना सिखाया। इस तरह मारवाड़ी समाज ने क्षत्रिय और वैश्य दोनों वर्णों के गुण अपनाए। मारवाड़ी कम्युनिटी की उत्पत्ति अग्रोहा प्रदेश हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हुई। लगभग 5000 साल पहले से लेकर 11th सेंचुरी तक मारवाड़ी समुदाय ने अग्रोहा प्रदेश पर शासन किया। 11th सेंचुरी में मोहम्मद गौरी द्वारा अग्रोहा पर आक्रमण कर सब कुछ लूटने और भीषण आग लगने के बाद मारवाड़ी समुदाय को अग्रोहा छोड़कर देश के दूसरे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मुख्य रूप से राजस्थान के मारवाड़ में जाकर बसना पड़ा। यहाँ आने के बाद मारवाड़ी राजपूत शासकों के साथ ये मुख्य रूप से क्षत्रिय रहे और फिर 13th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने के बाद से ही मारवाड़ी समुदाय ने धीरे धीरे व्यापार की ओर रुझान किया। 16वीं शताब्दी आते आते इन्होंने पूर्ण रूप से वैश्य वर्ण के गुण अपना लिए और फिर बेहतर व्यापार की खोज में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में जाकर बसने लगे। मारवाड़ी समुदाय एक दूरदर्शी समुदाय है। समय के मांग के अनुसार ये होनहार योद्धा भी बने और बाद में जब समाज में व्यापार की जरूरत बढ़ी तो ये कुशल व्यापारी भी बने। मारवाड़ियों ने भारत में फाइनेंसर और शाहूकार के रूप में बिजनेस की शुरुआत की। सेठ मेहताब चंद को मारवाड़ी बिजनेस का गॉडफादर माना जाता है। ये 1650 में नए बिजनेस की खोज में नागौर से पटना गए और वहाँ बैंकिंग और फाइनेंस के बिजनेस की शुरुआत की और आम लोगों के साथ साथ नवाबों को भी फाइनेंस करने लगे। 1715 में मुगल सम्राट फारूक शियार के द्वारा सेठ मानिक चंद को नगर सेठ और 1723 में सम्राट महमूद शाह द्वारा सेठ फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि से नवाजा गया। बंगाल से मुगलों के पतन के बाद मारवाड़ी कम्युनिटी 1830 से 1850 के बीच मुंबई में और लगभग 1870 में कोलकाता में बसी और वहां ये मनी लेंडर्स और ट्रेड ब्रोकर्स का काम करने लगे। उस वक्त इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को भी फंड किया। मारवाड़ी कम्युनिटी की प्रोस्पेरिटी के पीछे एक इंटरेस्टिंग प्रथा भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए महाराजा अग्रसेन ने एक ऐसी प्रथा शुरू की थी जो आज भी प्रचलन में है। इस प्रथा के अनुसार मारवाड़ी कम्युनिटी में यदि कोई जरूरतमंद होता है तो पूरी कम्युनिटी के लोग उसे एक ईंट और एक रुपया देकर सपोर्ट करते हैं। इस तरह वो व्यक्ति ईंटों से अपना घर बना सकता है और रुपए से अपना व्यापार शुरू कर सकता है। ऐसा करने से किसी को बोझ भी नहीं लगता और उनकी अपनी कम्युनिटी का आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अधारो म्हारे देश, यानी हमारे देश में आपका स्वागत है और अतिथि देवो भव, जिसका मतलब है मेहमान भगवान का रूप होते हैं। मारवाड़ी समाज के ये स्लोगन इनकी मेहमान नवाजी के गुणों को दर्शाते हैं। मारवाड़ी एक बिजनेस कम्युनिटी है। समाज सेवा, राजनीति, साइंस, आर्ट के साथ ही साथ मीडिया और नए स्टार्टअप में भी मारवाड़ियों का विशेष योगदान है। मारवाड़ी समाज ने जिस तरह देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई है वो तारीफ के काबिल है।
जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम मारवाड़ी कर सकते हैं। इसके लिए इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी।